नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में मुहर्रम की 7 तारीख को शिया समुदाय के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर की याद में मातमी जुलूस निकाला। घंटा घर स्थित मशीन वाले बाबा के यहाँ से शुरू हुए मातमी जुलूस मुमताज बिल्डिंग स्थित सिया इमाम बाड़े में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान मातमी जुलूस में अकीदतमंदों ने जंजीर व हाथों में अपने शरीर पर मातम किया। काले कपड़े पहनकर नंगे पैर जुलूस में शामिल लोग या हुसैन या अली या अब्बास की बुलंद आवाज के साथ चल रहे थे। खासतौर पर इस बार मातमी जुलूस में छोटे और मासूम बच्चे बच्चियां भी मातम मनाते नजर आ रहे थे, तो वहीं मातमी जुलूस में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पुलिस ने तगड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए थे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी जी, आप देख रहे होंगे कि आज सड़कों पर हुसैन के चाहने वाले, इमाम हुसैन के मानने वाले स्याह लिबास पहनकर हर तरफ या हुसैन कहकर अपने सीनों पर हाथ मार रहे हैं और मातम कर रहे हैं। ये अज़ादार, ये इमाम हुसैन के मानने वाले दुनिया को हुसैन का मैसेज देना चाहते हैं, और वो हुसैन का मैसेज ये है कि समाज में अच्छाइयों को आम किया जाए और समाज को बुराइयों से रोका जाए। आज से तकरीबन 1400 साल पहले यजीद नामी इंसान, जो एक बहुत ही घिनौना काम करने वाला और हिंसा को सपोर्ट करने वाला आतंकवादी शासक था, उसने करबला के मैदान में इमाम हुसैन को, उनके 6 महीने के बच्चे को, उनके 18 साल के बेटे को, उनके 34 बरस के जवान भाई को 3 दिन का भूखा और प्यासा रखकर बेदर्दी के साथ कत्ल और शहीद कर दिया गया। क्यों शहीद किया गया, क्यों कत्ल गया, क्यों मारा गया? एक वजह थी, सिर्फ इसलिए कि हुसैन अच्छाइयों को समाज में राइज करना चाहते थे और बुराइयों से लोगों को रोकना चाहते थे। यजीद ये चाहता था कि शराब आम हो जाए, जुआ आम हो जाए, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाए, नाइंसाफ़ी हो, जुल्म हो। जिसके पास दौलत है, सरमाया है, माल है, पैसा है, वही समाज में हर इंसान को दबा के कुचल के रखे। लेकिन हुसैन ने कहा कि जब तक प्रॉफिट मोहम्मद का नवासा जिंदा है, तब तक समाज में झूठ, बुराई, शराब और अक़ल को ख़त्म कर देने वाली चीज़ें, उनको हम लागू नहीं होने देंगे, आम नहीं होने देंगे। लिहाजा हुसैन इब्न अली को घेर कर कत्ल कर दिया गया। हुसैन हर मज़हब के लिए प्यारे हैं, और ये हम नहीं, एक क्रिश्चियन राइटर ये कहता है कि हुसैन हर मज़हब की जान है, इसलिए कि हर मज़हब का एक ही पैगाम है, न्याय, अदालत और इंसाफ। और यजीद ये चाहता था कि समाज से न्याय ख़त्म हो जाए, अदालत ख़त्म हो जाए, इंसाफ ख़त्म हो जाए, और हर तरफ जुल्म और जौर और बर्बरियत का बोलबाला हो। हुसैन ने कुर्बानी दे के अदल को बचाया, इंसाफ को बचाया और न्याय को बचाया है। सैयद सादिक अब्बास, मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और ईरान में रहता हूँ, एक इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर। जुलूस जो है कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? ये जुलूस अभी घंटाघर से शुरू हुआ है और इमामबाड़ा गलगला पे जाके खत्म होगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।